यहाँ पे थाना तहसील नसरदी के इलाके में एक बच्चे से मोटरसाइकिल छीना गया। हम डीपीओ साहब के साथ मीटिंग में मौजूद थे। डीपीओ साहब करक इरफानुल्लाह साहब जब से तशरीफ लाए हैं, इन्होंने एक ही बात की है कि मुझे इलाके में अमन चाहिए, मैंने आवाम को हर कीमत पे अमन देना है। तो जैसे इत्तला मिली कि मोटरसाइकिल छीना गया और छीनकर फरार हो रहे हैं, तो डीपीओ साहब ने हमारी टीम बनाई कि हर कीमत पे इस ग्रुप को आपने क्लियर करना है, सामने लाना है और इसकी बरामदगी करनी है। तो हम मुकम्मल टीम ने मुश्तरका तौर पे, जिसमें डीएसपी ने भी साथ दिया, इन्वेस्टिगेशन एसपी साहब ने भी साथ दिया, हमने मुख्तलिफ मशकूक लोगों को इंटरोगेट किया, जिनमें से ये शफी और इसके साथ ही ये दो बंदे एसएचओ साहब ने नाकाबंदी पे गिरफ्तार किए और इनके हिसाब से इनसे बरामदगी भी हुई, जिस जो असला तफसील आप थाने से भी ले सकते हैं, एक अदद क्लाशनकोफ, एक हैंड ग्रेनेड और एक मोटर कार, दो चोरी शुदा मोटरसाइकिलें ये बरामद हुई। और इसी के इंकशाफ पे थाना लक्की ताजाजय से ये मोटरसाइकिल चोरी करके बेचता रहा, आगे ये दोनों भाई को देता रहा, ये आगे कारोबार करते रहे, कुछ सही और कुछ गलत। तो एसएचओ साहब ने ताजाजय इलाके थाना जेल में छापा लगाया, वहाँ पे ये स्पेयर पार्ट सामने पड़ा है और ये मोटरसाइकिलें हैं ये बरामद करके वापस लाए हैं। तो हमें इन मुलजमान से काफ़ी इंकशाफात की तवक्को है, इनको अदालत के सामने पेश किया जाएगा और अदालत से हम इंटरोगेशन के लिए टाइम लेंगे। इंशाल्लाह मजीद भी इनसे हम बरामदगी कराएंगे। जहाँ जहाँ तक इनके ग्रुप्स हैं, इनके हाथ हैं, इनके साथी हैं, तमाम को कानून के हवाले करेंगे इंशाल्लाह।